तो तुमने पहले दिन किसी से मिला और उस दिन आई लव यू बोल दिया तो बोले कॉन्टेक्ट ही खत्म हो जाएगा, ऐसा पता होगा ना तुम्हें? हुआ ऐसा? हाँ, तो पहले दिन नहीं बोलते, तुम्हें पता ही होगा। हाँ वो पता ही, बाकी तो आप तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि रूट जी आर दोगे तो वहीं खत्म हो जाएगा। पहले दिन आई लव यू तमाचा पड़ेगा, तुम गिर गए। ये क्या कर रहे हैं? तो ऊपर से चला स्पीड, रूट जी आर नहीं दिया, कितना दिया? रिलीज किया ऊपर से, कितना किया? रूट जी आर दिया, यहीं पुड़ जाएगा। और जीरो दिया, क्या करा? जीरो दिया, तो कितने एंगल पे आ गए? तो ये यहाँ पे जाके छोड़ेगा। यहाँ पे कितनी स्पीड होती है? रूट जी आर कॉस थीटा, रूट जी आर आगे हम लोग देखेंगे कितना एंगल का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू 2/3, कॉस थीटा का वैल्यू कितना कहेंगे हम लोग? समझ आ गया लोगों को? किसी को भी दिक्कत है बताएगा? रूट जी आर देंगे यहीं छोड़ देगा, और जीरो देंगे तो कहाँ छोड़ेगा? यहाँ आके छोड़ेगा। और जीरो और रूट जी आर के बीच में कोई स्पीड दोगे तो कहीं बीच में आके छोड़ेगा यहाँ पे। समझ आई बात? नहीं, कोई भी प्यार ऐसा नहीं है कि जो कि अनंत होता, प्यार का खत्म होना ही है, तो कहीं ना कहीं छोड़ना ही है। कहीं ना कहीं दोनों का बीच का कांटेक्ट ब्रेक होना ही होना। तो अगर रूट जी आर स्पीड दोगे तो ऊपर ही छूट जाएगा, और जीरो स्पीड दिया तो कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 पे आके छूटेगा, और उसके बीच में कोई स्पीड दिया कितना उसके बीच में हो सकता? इनके बीच का कोई एक वैल्यू आप लोग बताएंगे, देखते कौन बता पा रहा है। इनके बीच का कोई वैल्यू एक बता दें आप लोग, जीरो एंड जीरो एंड रूट जी आर के बीच का कोई वैल्यू बता दें। गुड, रूट जी आर भाई कोई नहीं बता पाया, कुछ भी इन्फाइनाइट वैल्यू देता, 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 बोल दो, 5 कुछ भी बोलते जाओ, तो इनके बीच में कुछ वैल्यू देगा तो इनके बीच में कहीं, इन्हीं के बीच में कहीं छोड़ेगा। समझ आई बात? ऐसे क्वेश्चन आगे हम लोग बहुत करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। रेडी हैं सब लोग? तो मैं बोलना ये चाहता था जी कि ये वर्कडन कितना करेगा यहाँ पे, कोई किसका वर्कडन? सेंट्रिपिटल का, सेंट्रीफ्यूगल का, नॉर्मल का वर्कडन बताओ। सेंट्रिपिटल का, सेंट्रीफ्यूगल का, नॉर्मल का वर्कडन बताओ। ऐसे जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो सेंट्रिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, नॉर्मल का वर्कडन बताओ। फिर से कितना बताएंगे आप? सेंट्रिपिटल का जीरो, क्योंकि सेंट्रिपिटल कहाँ लग रहा होगा? सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा होगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? टेंजेंट के लॉन्ग, दोनों के बीच का एंगल कितना? वर्कडन कितना? समझ आई बात? सेंट्रीफ्यूगल का भी जीरो होगा और नॉर्मल का भी, नॉर्मल का जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? दोनों के बीच का एंगल कितना? तो वर्कडन कितना? तो याद रहेगा ना? याद रख लेंगे, ऐसे 10 एग्जाम्पल दे दिए जहाँ वर्कडन किस कितना होता है इन लोगों का? जीरो होता। तो जीरो वाला एग्जाम्पल याद हो जाना चाहिए। 2-4 एग्जाम्पल तुम्हें भी कहीं बताना होगा, जाके ले लोगे। जीरो वर्कडन का एग्जाम्पल, हाँ प्रोजेक्टाइल का वो दे दिया तुमने, और क्या दे दिया? तो कुली का दे दिया, हाँ जी, या सर्कुलर मोशन में 3-4 को खींच लिया, या कुछ एग्जाम्पल दे दे। कोई हिंज फोर्स है हिंज में, तो हिंज कोई ऐसा कर देंगे कि ऐसा किसी पॉइंट को पकड़ कर ऐसे घुमा दें, ऐसा है ये, ऐसा घूम गया, ये घूम गया ना, तो बोले हिंज फोर्स का वर्कडन निकालो। हिंज फोर्स का वर्कडन पता है तुम्हें? अरे हिंज यहाँ पे जो मैं पकड़े हुए, मैं हिंज हूँ, जो किल किल लगाया हुआ था उसको क्या बोलते हैं? तो किल किल को हिंज बोलते हैं। तो ऐसे ही रखा हुआ इसमें किल, मैं जो पकड़े हुए कौन क्या लगाया हुआ? किल, तो ये घूम गया। तो हिंज फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हिंज फोर्स जहाँ पे लग रहा उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? तो वर्कडन कितना बताएंगे? समझ आ गया लोगों को? वर्कडन बाई हिंज फोर्स W0, वर्कडन बाई हिंज फोर्स जीरो। जिसको कर कन्फ्यूजन है बता देगा। तो जीरो वाला केस लिख दिया तो ऐसा वाला प्लस MG वाला और इसके वाले में आ जाए। अब फोर्स के यहाँ पे नाम भी है तो पता चल जाएगा कि बहुत सारे फोर्सेज होते हैं उनका जो है, तो उन इंडिविजुअल का वर्कडन लिखना है। जीरो का 0 डिग्री पे वर्कडन कितना होता है? प्लस FD। 0 डिग्री पे कितना वर्कडन? चलो एक वैल्यू जल्दी से बता दो। इस पर जो FD कॉस थीटा में 4 अननोन है, कोई 3 दिया रहेगा फोर्थ निकालने के लिए। FD कॉस थीटा में 4 अननोन है, कोई 3 वैल्यू दे दे रहा हूँ, चौथा निकाल लो इस फार्मूले को यूज करके। वर्कडन 50 जूल, वर्कडन कितना जूल?
बर्गन की वैल्यू दिया हुआ 50 और फोर्स की वैल्यू दिया हुआ 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5 मीटर, थीटा की वैल्यू निकालें, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा फार्मूले से तो यूज कर लेंगे, हर एक बच्चा कर लेना चाहिए, फार्मूला भी दिया हुआ वैल्यूज भी दिया रहा। W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा कोई 3 वैल्यूज दिया रहेगा, चौथा बता दोगे। अब वर्किंग की वैल्यू प्लस एफ डी आ गया तो एंगल कितना, वर्किंग की वैल्यू प्लस एफ डी तो एंगल कितना 0, और वर्किंग की वैल्यू माइनस एफ डी एंगल 180। ये सब कर लेंगे आप तो यहाँ पे कितना एंगल आ गया, रख दिया ना फार्मूले में, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा में डाल दें, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। बातचीत नहीं करें आप, जस्ट ने बताया कि आप बातचीत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं तो उन हर एक बच्चे का मैं सिलेक्शन करवा दूंगा अगर आप चाहते हैं तो हो जाएगा। आपके सर का कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया इसलिए। ये कितना कर लेंगे आप, डाट वी 1/2 थीटा इक्वल टू, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान नहीं हो, बस ने बताया कि सिलेक्शन का मतलब सब कुछ हो जाता है ना, तो सिलेक्शन तो करवा ही दूंगा, हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि इस पर जो भी बच्चे बैठे हैं सबका सिलेक्शन तो करवा ही दूंगा। आपको पहले भी वीडियो दिखाया था कि बहुत ज़्यादा मारपीट चल रही है आजकल कि कैसे तुम 720 नहीं ला पा रहे हो, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जितने लोग बैठे हैं उनका सिलेक्शन तो इंश्योर कर ही दूंगा। बाकी आप जितना मेहनत करेंगे, जितना हमारा साथ देंगे उतना अच्छी रैंक आएगा, समझ आई बात नहीं आई, बट ज़रूरी है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हमें डॉक्टर बनना, आपके अच्छा अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम डॉक्टर बनना है, अच्छी से अच्छी रैंक लाना। आप अपना लेक करते रहें, आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से आप लिफ्ट करके तो सीधे ही पहुँचा दूँगा, समझ आएगी बात, बट आप अपने आप को तो उस लेवल पे तो ले जाएँ कि हाँ हम इस लेवल पे खेल रहे हैं। तो क्लास में बैठते हैं तो बातचीत नहीं करें, जो बोला जा रहा है उसको सुनें, उसका कुछ महत्व है। ये जस्ट ना जस्ट आप जब अब ज़्यादा इसमें बोलने का मीनिंग नहीं रहा कुछ, आप इंश्योर करें कि हम जितना अच्छा से अच्छा रैंक निकालने की कोशिश करें, उसके लिए आप जितना एफर्ट लगाना चाहें लगाएं। बाकी आपके सामने मैं पढ़ा तो रहा हूँ और बाकी जो है ना कि और भी जो एफर्ट लगाना तो मैं वो भी लगा रहा हूँ, तो जैसे आपके जो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आप लिफ्ट कर लूँगा। तो W इक्वल टू कितना हो गया, एफ डी कॉस थीटा, और 0 डिग्री पे कितना, W इक्वल टू प्लस एफ डी, W इक्वल टू प्लस एफ डी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे बर्कन भाई तो अलग अलग फोर्स का नाम लेने जा रहा हूँ। अब रेडी हैं सब लोग, सवाल पूछा जाएगा, बर्कन इसका बताओ उसको बताओ, ठीक। तो बर्कन में ग्रेविटी की चर्चा कर दो, प्लस एफ डी के लिए काम कर दो ना पहले, प्लस एफ डी मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल 0 डिग्री। तो देखो इधर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ये ब्लॉक है, इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे ला रहे हैं ऐसे, चल तो नीचे चल, कितना हाइट नीचे चला, एच कितना डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे फोर्स भी नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, ऊपर से नीचे आया हैं, डिस्प्लेसमेंट माइनस जे कैप में, और फोर्स भी किधर, तो दोनों के बीच का एंगल, तो बर्कन बाई ग्रेविटी फोर्स की जगह एम जी और एच प्लस में रख दोगे, ऊपर से नीचे लाया कितना हो गया, एच हाइट नीचे लाया, तो 0 डिग्री का केस दिखा रहा हूँ, जहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है। तो 2, 4, 5, 10 केस इसके लिए उठा रहा हूँ जो कि याद रहना चाहिए हर एक पॉइंट पे तुम्हें। तुम ग्रेविटी का वर्कडन लिखना है, एम जी एच लिखना सीख गए तो अराउंड जो है तुम्हारा डेफिनेटली एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो वैसे निकल जाते हैं। देख लो कितनी बार खुद ही अब आता है, तुम देख लोगे ग्रेविटी का वर्कडन एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल फोर्स ग्रेविटी तुम्हें समझ में आ गया। तो डाटा एम जी एच 0 डिग्री एंगल पे है, कितना पे है तो देख लो यहाँ पे। अब जो है ना सपोज कर ले, देख लेंगे यहाँ से, तो एक यहाँ से डिस्टिंक्शन भी करने जा रहा हूँ, यही जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी ऑब्जेक्ट को अभी हमने क्या लाया था, ऊपर से नीचे डायरेक्टली एच ले आया था, ऐसे ऊपर से नीचे ले आया था, ठीक है। अब इसको ऐसे ले जाएं आप, देखते रहेगा यहाँ से, जब यहाँ आते हैं तो भी ध्यान से देखोगे, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ आए किस पे आए, इनक्लाइन प्लेन पे आए, यहाँ से यहाँ आए किस पे आए, इनक्लाइन प्लेन पे आए, इसका मतलब क्या, ध्यान से देखोगे, इस यहाँ से यहाँ आने का मतलब दूसरा तरीका ऐसा हो सकता था, वर्टिकल में एच गया और हॉरिजॉन्टल में एक्स गया, तो मैं जानता हूँ कि हॉरिजॉन्टल में वर्कडन नहीं करता, तो जो करा होगा कहाँ पे करा होगा,
तो यहाँ से यहाँ जाना है जी कोवेलेंटो, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ जाना, तो ब्रैकेट बेसिकली हुआ कहाँ पे? यहाँ से यहाँ के लिए भी आंसर कितना देंगे? ग्रेविटी का ब्रैकेट प्लस एम जी एच, क्या बताएंगे आप? आपको मजा आया इसमें? कहाँ पे ब्रैकेट मिला? बोले यहाँ से यहाँ जाए, गया तो ऐसे बेट बेसिकली जा कहाँ रहा है? इक्वेलेंटली एक्स और वाई एक्स में सोचो तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा, तो यहाँ पे तो ब्रैकेट किया, यहाँ पे तो किया लेकिन यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ से यहाँ तक में भी कितना किया? एम से एम जी एच ही किया, तो याद रह जाएगा ये कि इंक्लाइन प्लेन पे ला रहे हैं तो भी अगर वर्टिकल हाइट एच है तो ब्रैकेट प्लस एम जी एच ही होता। या देखेंगे इधर, गोड थीटा दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, एम जी एच ही होगा। अगर ये हाइट दिया हो तो क्या हो, ये एच एच दिया हो तो क्या देंगे? अब थीटा अगर तुम्हें ये बोल रहे हैं कि एच नहीं दिया, एच नहीं दिया, एच नहीं दिया, एच निकाल लोगे? ये बोल रहे हैं थीटा 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 दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं थीटा दिया हुआ है, ये लंबाई कितनी दी हुई, एच दी हुई है, तो एच की वैल्यू कितना बता दोगे तुम? एच इंटू साइन थीटा, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच की वैल्यू एच इंटू, समझ आ गया होगा लोगों को? तो ऐसे लाए तो भी एम जी एच, ऐसे लाए तो भी एम जी एच। हाँ हाँ, वो सब कुछ लग रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना, तो लग तो रहा है एम जी। तो कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है? जो ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। जब जो फोर्स तो कंप्लीटली वर्टिकली लग रहा है, तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट कॉरस्पॉन्डिंग वर्कन हो रहा है और इस वाले कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो रहा। तुम बोलो, समझ में आया कुछ? कहाँ पे आया समझ में वर्कन? वर्टिकल कंपोनेंट के बीच का एंगल एम जी और एच के बीच का एंगल जीरो, ये काम किया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जब डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल और फोर्स तो वर्टिकल ही है, तो उसका वर्कन कितना हो गया? तो ऐसे लाएं या ऐसे लाएं, ये और तुम्हारी जो मर्जी हो जैसे लाओ तुम। और तुम्हें क्या मन कर रहा है? तुम्हें ऐसे घुमा घुमा के लाओ, इस पर घुमा घुमा के ऐसे लाओ, ऐसे से इधर से घुमा के लाओ, या ऐसे घुमा के लाओ, या इंक्लाइन पे ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, या ऐसे लाओ, कैसे भी लाओ तुम। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो वर्कन क्या रहेगा? तो एम जी एच ही होगा, नीचे आएगा तो एम जी एच ही होगा, कैसे भी तुम ले आओ। क्लियर बात हो गई? बर्गन बाय ग्रेविटी इसको बोलते हैं, ऐसे लाओ ऐसे लाओ ऐसे लाओ, हर एक केस में। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ तुम ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, तो बर्गन बाय ग्रेविटी क्या मारा? तो प्लस एम जी एच होगा। और इसे क्या बोले? बर्गन जी पाथ इंडिपेंडेंट, बर्गन जी पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नाम से क्या पुकारते हैं? बर्कन जी पाथ इंडिपेंडेंट। तो यहां पे आकर के तो एक ऐसे जो चार पांच बातें ऐसे तो लाइक डेवलप कर लें। बोलते हैं बेसिकली तो बर्कन जी क्या, बर्कन करने वाले को क्या बोलते हैं? बर्कन करने वाले को फोर्स बोलते हैं। अब कुछ फोर्स जो है बर्कन किया और उसका बर्कन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, अब कुछ फोर्सेज होंगे जो बर्कन करेंगे और उसका बर्कन जो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दो कैटेगरी में बांट देते हैं। आराम से सुन लो, पूरा मजा आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें पूरे जीवन के लिए याद रह जाएगा। फोर्स के दो कितनी कैटेगरी? दो कैटेगरी। तुम क्या करते हो, अगर मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख, समझो थोड़ी देर के लिए, नीचे से मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं, क्या कर लेते जाते, ले जाते हैं हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता? तुम जिम वगैरह जाते होगे ना, तो वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्यों करते हैं लोग? तुम वेट लिफ्टिंग करते हो, वेट वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हो, वेट को किसके अगेंस्ट उठाते हो? तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हो, तो उसको अगर ये साइड पे जो है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको ये साइड पे ले जाकर रख दिए, तो तुम नीचे से ऊपर उठाया, तो तुमने काम किया नहीं किया?
किया किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। तो तुमने जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, तुमने जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, उस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता, उस ब्लॉक में क्या बन जाता, एनर्जी बन जाता, उस ब्लॉक की क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता। बाकी ऐसा भी तो सुन लोगे, तुम्हें क्या फायदा हुआ? तुम बोलो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने बढ़ा दिया, तुम्हारे तुम्हें कुछ फायदा हुआ क्या होगा? तो बोले तुम्हारे अंदर भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्या हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। किसी भी स्टेज पे लाइफ मिल गया अगर तुम्हारे पास, तो क्या करें उससे, किसी भी स्टेज पे तो क्या करेंगे आप, जो है किसी काम को करेंगे तो आपके अंदर क्या स्टोरेज होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज होगी। दुनिया का हर एक आदमी बोलता है कि हर एक आदमी को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए बेटर लाइफ के लिए, समझ आई बात नहीं? क्यों बोला जाता है यही जो पढ़ाया जा रहा है आपको, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ले जाते हैं, तो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं वो क्या बन जाती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है आपके बॉडी में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या बन जाएगी, वो दिखेगा नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर क्या रहेगी, वो स्टोर रहेगी। जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा वो, तो आउटपुट देगा वो। जब जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, समझ आई बात नहीं? जैसा तुमने देखा होगा ना कभी, पिछले एक साल पहले जो वायरस आया था उसमें लोग बोल रहे थे कि जो फिजिकल एक्टिव थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। क्यों नहीं दिक्कत हुई? क्योंकि इन्होंने जो काम किया था फिजिकल एक्टिविटी, तो उसके कारण उनके अंदर क्या थी, एनर्जी स्टोरेज थी, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उनका पोटेंशियल बढ़ा हुआ था। तो बाद में जो है तो उनको जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, एनर्जी को तो प्रोवाइड कर दिया, तो उनको ज़्यादा कम दिक्कत आई। मैं सिंपल सेंटेंस में बोलना ये चाहता हूँ कि आपको क्या समझना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, जो हम बर्गेन करते हैं वही उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, स्टोरेज हो जाती है, एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है। ठीक, यहाँ पे एक बात समझ में आई। तो ग्रेविटी जो काम करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हम लोग काम करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है, स्टोर बन जाती है। हाँ या नहीं? तुम्हें ऐसा बोल सकते हो कि अगर ऐसी बात है, क्या है कि अगर ऐसी बात है कि वेट लिफ्टिंग करने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टोरेज होता है, ठीक है। तो तुम ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हो कि किसी आदमी को नुकीला वाला पत्थर पे उसको घसीट दें तो और भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, नुकीला पत्थर वाला सरफेस है उस पर किसी आदमी को रख घसीट दें, क्या कर दें, आदमी को घसीट दें या खुद ही उस पर घसीट जाए वो, तो उसकी क्या हो जाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जानी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान सुनो, वहाँ भी मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आदमी को घसीटोगे तो वहाँ पे ग्रेविटी कितना काम कर रही है, ग्रेविटी तो काम ही नहीं कर रही है, वहाँ पे काम कौन करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा, क्या काम करेगा, तो फ्रिक्शन जो काम करेगा, तुम्हारा घसीट दिया गया उस पर, तो तुम्हें पता ही को हॉस्पिटल पहुँच जाएगा वो, तो वो एनर्जी जो काम करता है, जो फ्रिक्शन वाला जो एक फोर्स होता है फ्रिक्शन, जो वो काम करता है वो कहाँ चला जाता, वेस्टेज में चला जाता, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती है, वो कहाँ चली जाती है, वेस्टेज में जाती है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि दो तरह की एनर्जी हो गई, एक स्टोर वाला एनर्जी, एक वेस्ट में जाने वाला एनर्जी, और दोनों के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स। तो ऐसा कोई फोर्स जो काम करता हो और काम करने के बाद उसकी एनर्जी कहाँ पर स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, जब जरूरत पड़ती है फिर क्या करते हैं हम लोग, तो रिकवर कर लेते हैं। तो ऐसे जो फोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसे फोर्सेस जो काम तो करते हैं और कहाँ चला जाता है, डिसिपेशन में चला जाता है, वेस्टेज में चला जाता है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी फोर्स है दुनिया में, जो भी फोर्स है, आप भी क्या हैं, तो मैन फोर्स हैं, आप क्या बोलते हो, आपको क्या बोला था चले मैन पावर है, मैन फोर्स है आप, तो आप डेफिनेटली वर्गन करेंगे, मतलब बेसिक पर्पस ही आपका जीवन का क्या, वर्गन। अब वर्गन करेंगे दो पॉसिबिलिटी होगी, आदमी भी दो कैटेगरी के आदमी होते हैं, कुछ आदमी वर्गन को करते हैं और स्टोर कर लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं, वेस्टेज में डाल देते हैं। तो जो स्टोरेज कर लेगा उसको क्या बोलेंगे आप, कंजर्वेटिव, जो वेस्टेज में डाल दिया, दो कैटेगरी बांट देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का ये बेसिक एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि वर्गन की जो फोर्सेज किसी जन्म लिया है, बर्गन के लिए, बर्गन अगर स्टोरेज हो गया तो ऐसे फोर्सेज को क्या बोलेंगे, और जो बर्गन किया, जो फोर्स, वो टाइप ऑफ फोर्सेज जो बर्गन किया और स्टोरेज नहीं हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी कहलाएंगे। हाँ या नहीं?
नॉर्मल ध्यान सुनोगे, दो तीन स्टोरी सुनाता हूँ, याद रह जाएगा जीवन भर के लिए। पहली स्टोरी ऐसी है कि बारिश हुई, तुमने क्या किया, बारिश हुई, फसल अच्छा हो गया पूरा अच्छा, तो क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव बारिश है। और कभी कभी बारिश क्या आती है, सुनामी के फॉर्म में आती है, जो है सब कुछ ले जाती है, तो क्या बोलेंगे उसे, नॉन कंजर्वेटिव। समझ नहीं आया कुछ, ऐसे ध्यान सुनोगे। हर एक दुनिया में जो भी आदमी है, तो हर एक आदमी के पास क्या होता, बाप होता। बाप क्यों होता, काम करने के लिए। बाप ने काम किया, महीने के बाद उसको सैलरी मिली। तो दो तरह के बाप होते हैं, कुछ बाप होते हैं वो सैलरी को बैंक में स्टोर कर लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है उसको क्या करते हैं, तो रीयूज करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। और दूसरे टाइप के बाप क्या, तो जो सैलरी मिली कहा क्लब में बैठ गया, और उसी रात में क्या कर दिया, तो उसको उड़ा दिया पूरा। फिर घर में आया, भटकते हुए आया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बाप हुआ जो कि स्टोर कर लिया, उसको जब जरूरत पड़ेगी उसको जरूरत मिल जाएगी, और दूसरे ने क्या किया, वेस्टेज में डाल दिया। तो जो स्टोर कर लिया, जो बैंक में स्टोर कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव बाप, क्या बोलेंगे, और जो वेस्टेज में डाल दिया। समझ आई बात नहीं है, ऐसे नहीं तुम घर पे जाके बोल दिया। मैं बस बोलना चाहता हूँ कि फोर्स होता है, फोर्स दो टाइप का होता है, एक कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है, मतलब फोर्स का मतलब ही बर्गन, हाँ जी। और जो बर्गन किया वो अगर स्टोरेज हो जाएगा, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। और जो स्टोरेज नहीं हुआ, वेस्टेज में गया, उसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। फोर्स तीन ही दुनिया में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये किसके एग्जांपल हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं। और बाकी जो भी है, डैम्पिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेसिस्टेंस फोर्स, ऐसे फोर्स क्या हमारे नॉन कंजर्वेटिव है। ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर बात हो गई। बाकी लोग, काफ़ी लोग तो पूरे जीवन परेशान रहते, फोर्स की जब बात उठी तो सुन ही ले आप क्या बोल दिया। एक तो कैटेगरी बताते फोर कंजर्वेटिव, दूसरा क्या बोल दिया, नॉन कंजर्वेटिव। ये कैटेगरी ऐसे हो गई, कुछ एक्सटर्नल होता, कुछ इंटरनल होता, एक्सटर्नल एंड। तो एक्सटर्नल जब ध्यान से सुनेंगे, मैं बोलना चाहता हूँ ये टेबल है, तो टेबल पे, टेबल अलग है, मैं अलग हूँ, तो मैं इसको, इस पर जो फोर्स लगाऊंगा, मैं इस पर जो फोर्स लगा रहा हूँ, वो कैसा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। वो क्या हो गया, कोई बच्चा हुआ, बच्चा है ना अपना, पैदा हुआ और क्या करता, लात वात इधर मारता है, हाँ किक करता है वो। पैदा होने के बाद, बाहर आने के बाद उसको दुनिया पूरी लगती, फुटबॉल का ग्राउंड है, हम इधर उधर मारता हो, सूडो प्रैक्टिस मारता है ना, तो वो जो मार रहा हो तो इंटरनल काम कर रहा है। तुम्हें उससे प्यार आ जाता है, तुम गोद में उठा लेते हो, तुम गोद में उठाने के लिए जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल है। तुम जो बाहर से लगा रहे हो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। किसी को कन्फ्यूजन आ रही है, हम किसी को गोद में उठाते हैं वो कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। समझ आएगी बात, सुना गया, ऐसे डायलॉग आते थे पहले कि अक्षय कुमार किसी भी हीरोइन को उठा लेता, तो अक्षय कुमार जिसको उठाता है, मतलब अक्षय कुमार जो फोर्स लगाता है वो कौन सा फोर्स है। बात समझ में आ गई होगी, हम जो फोर्स लगाते हैं वो क्या है, एक्सटर्नल। किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताएगा। चले तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल इंटरनल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव भी समझ में, एक्सटर्नल इंटरनल भी समझ में आ गया। और बाकी जो है, ऐसे फोर्स तो तुम जानते हो कि सूडो फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सब तो अलग होते हैं। बाकी एक एक्सटर्नल इंटरनल, जो बाहर से लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल। और अंदर अंदर ही लगता हो क्या बोलेंगे, इंटरनल। जैसे बम को ब्लास्ट होना, बम क्यों ब्लास्ट होता, इंटरनल फोर्स कारण। बम क्यों ब्लास्ट होता है, कोई भी चीज़ में एक्सप्लोजन जो होती है, तो डैट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज। तो याद हो गया होगा, हाँ सही बोल रहे हैं। सूडो फोर्स कोई अलग कैटेगरी नहीं है, बट हम लोग यूज करते हैं ना कि सूडो फोर्स, तो कहीं सूडो फोर्स यूज करना होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स ही है, एक कैटेगरी, उसको एक्सटर्नल इंटरनल नहीं मानते, अलग से क्या देते हैं, एक सूडो ही है बस। यही आप बोलना चाहते हैं कि सूडो फोर्स है ही नहीं, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है ना कि हम जब कौन से फ्रेम में, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में काम करेंगे, तो हमें तो लिखना पड़ेगा ना सूडो फोर्स है यहाँ, तो वहाँ पे तो हम लोग सूडो कैटेगरी ही बोलेंगे डायरेक्ट, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी नहीं। इस कहाँ किस कैटेगरी में जाएगा, अपना एक उसका कैटेगरी ही है, उसका अपना ही एक कैटेगरी है, वर्चुअल फोर्स का अपना ही है। एक्सटर्नल इंटरनल मतलब, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है, मतलब जो लाइक
अगर किसी सिस्टम का पार्ट नहीं है, अगर किसी सिस्टम का पार्ट नहीं है और वो सिस्टम पे फोर्स लगा रहा तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। वो सिस्टम पे फोर्स लगाएगा तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। बात क्लियर हो गई? देखा, हमारे अंदर के मामलों में, हमारे देश के मामलों में अगर इमरान खान कुछ बोलता है तो क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। समझ आई बात? तो ऐसे बोलेंगे हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारा सिस्टम अपना इकोसिस्टम अलग है, उसमें कोई बाहर से आदमी कोई तो, या कोई बाहर से जैसे हमारे ध्यान से नहीं इधर देखेंगे, आपसे बोला जा रहा हमारे ब्लॉक या क्या बोलेंगे ब्लॉक है। अब ब्लॉक में हम इसमें नहीं है, ब्लॉक का पार्ट हम है या नहीं है? नहीं है तो ब्लॉक को मैं उठा के ले जा रहा हूँ, उसको उठा रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं इस पर? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? समझ आई बात? ध्यान सुनोगे? अगर तुम देखो इधर सुनो, तुम बातचीत में बगल वाले से मत बात करो। तुम्हें बोला जा रहा है कि क्या एग्जाम्पल दिया था, कोई बच्चा पैदा हुआ, प्यारा बच्चा गोद में उठा लिया, तो तुमने जब गोद में उठाया तुम बच्चे पे, बच्चा अपना बच्चा था, तुमने जो फोर्स लगाया तो बच्चे के लिए क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स हो गया। बच्चे के लिए क्या हो गया? अब ध्यान सुनोगे, तुम देखोगे, सुनो ना भी, अगर ऐसा बोल दिया बच्चे को, तुमने गोद में उठाया, तुम उसके गाल को ऐसे ऐसे खींच रहे हो, बड़ा प्यारा बच्चा है ये, अगर हम लोग क्या करें उसी में, अगर बच्चा को सिस्टम मानेंगे तो तुम खींच रहे हो तो ये क्या है? ये तुम खींच रहे हो, एक्सटर्नल है, बच्चा को सिस्टम मानते हैं। लेकिन अगर सिस्टम में तुम और बच्चा दोनों, अगर सिस्टम में तुम और बच्चा दोनों मान लेते हैं, तब वही जो तुम खींचोगे तो क्या बोलोगे? इंटरनल फोर्स। क्या बोलोगे? समझ आ गई बात? इंटरनल और एक्सटर्नल किस पे डिपेंड करता है? सिस्टम पे डिपेंड करता है। सुनो, कहाँ आप चले, फिर बिजी हो गए तुम, कहाँ बिजी हो?